4 बज रहा है सुबह का, और अभी अपन गौरीकुंड में है, और ये हमारा होटल था इधर। और होटल का क्या सीन था, क्या सिस्टम था, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, अभी सब फ्रेश हो रहे हैं, और नहाने के बाद अपन निकलेंगे ट्रैक पे और बेस कैंप पहुँचेंगे, और शाम में हमें आरती अटेंड करना है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात करना था मुझे, जो भी यहाँ आना चाहता है या प्लान कर रहा आने के लिए, अभी तो हालांकि अप्रैल एंड होने को है, फिर भी यहाँ पे बर्फ गिर रहा है, और हालांकि ये सब सुनने में सही लगता है, बट ये सब चीज़ें वहाँ अच्छी लगती है, जैसे कि आप कहीं मनाली में जा रहे हो या फिर ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ चीज़ें ऑर्गेनाइज हो, और ऐसे टूरिस्ट बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे श्रद्धालु ऐसे आते हो और बहुत सारा भीड़ होता है, और सिस्टमेटिक चीज़ें है, बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक है, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ना, अभी के हिसाब से जैसे आप देखो सप्लाई का थोड़ा सा सीन है, क्योंकि अभी भी लोग बहुत आ रहे हैं, जब सप्लाई का इशू आता है ना तो थोड़ा सा वैसे लोग कुछ भी मांगते हैं, छोटे छोटे चीज़ों के लिए आपको कुछ भी चार्ज किया जा सकता है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। अभी दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप हरिद्वार से आ रहे हो तो आपको सोनप्रयाग रुकना चाहिए या गौरीकुंड आ जाना चाहिए। तो आई विल रिकमेंड यू कि फर्स्ट डे पे अगर आप दोपहर में भी पहुंच रहे हो सोनप्रयाग, उसी दिन आप ट्राई करें कि आप कैसे भी गौरीकुंड आ जाए, यहाँ पे रुके एक दिन आराम करें, यहाँ होटल है, और मॉर्निंग में यहाँ से आप केदारनाथ जी की तरफ जाएं, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आप सोनप्रयाग से ही प्रयास करोगे, सोनप्रयाग में आप स्टे करोगे, सुबह में भी अगर आप 6 बजे निकलोगे ना तो आपको 5-6 घंटे लग जाते हैं गौरीकुंड आने में, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी जो लाइन लगती है ना बहुत लंबी लाइन लगती है गाड़ी के लिए, जो कि आप पिछले ब्लॉग में देख चुके हैं। पहले दिन में सोनप्रयाग से ट्रेवल करोगे ना बहुत हैक्टिक हो जाएगा, शाम को 8-9 बज जाता है, और शाम का आरती भी मिस हो जाएगा, और थके धारे हो गए, और उतना मतलब चीज़ें स्मूथ नहीं जाएंगी। अभी ऐसा कुछ लोड नहीं लेंगे, आराम से चलेंगे, हालांकि बहुत लोग पहले ही जा चुके हैं गौरीकुंड में, खासकर होटल का दिक्कत आपको नहीं होगा, प्रॉपर ब्लॉगर निकलेंगे, फिर देखते हैं क्या ले लो। तो कुछ ऐसा प्लान है कि आज संडे है, और हमारा सारा प्लान सटीक था, मंडे को बाबा का दर्शन करेंगे, मतलब सुबह में पूजा करेंगे जो भी वहाँ पे होता है, और अभी शाम को हम लोग वहाँ पे आरती अटेंड करेंगे, कल पूजा करके अपन वापस आ जाना, हमारा यही प्लान है अभी तक का, तो यात्रा में मन है, देखें हमारा यात्रा का। ओके गाइस, सो पहला ये स्टॉप हम लोग लिए हैं, यहाँ से अपन आए थे, ये देखिए आप, ये सब चीज़ें आपको दिखती रहेंगी यहाँ पे, ये सब चीज़ें तो ठीक है, एक बार ये देखें, ये भीड़ देखें यहाँ पे, और पीछे की तरफ देखें, ये दिस वन इज गुड। तो 30-40% रास्ता कवर करने के बाद हम लोग नाश्ते के लिए रुके हैं यहाँ, और टाइम हो रहा है अभी 8 बज रहा है ना, सुबह का 8 बज रहा है, और तो पहुँच जाएंगे टाइम से, और वहाँ बेस कैंप में रुकना है, दर्शन तो कल करना। फिर क्या कहोगे? बढ़िया, थोड़ा बहुत खाने के बाद एनर्जी आ गया शरीर में, फिर आगे की चढ़ाई हम लोग करेंगे, घबराने का बात नहीं है, महादेव सबके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, टिम्बली में आने के बाद दो रास्ते कटते हैं, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ऐसे वहीं से लेफ्ट कट जाता है और नीचे से होके ये वाला जाता है, ये
ये लंबा सा जो ऊपर देखते हुए जा रहे हैं आप, ये ज़्यादा रास्ता, लेकिन पैदल के लिए लोग बता रहे हैं कि ये ज़्यादा सही है, तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे। हमारा ग्रुप थोड़ा सा आगे निकल गया, और ये देखो आप, ये नीचे से हो गए, थोड़ा बहुत हल्का हल्का चढ़ाई है, लेकिन इसमें घोड़े बहुत ज़्यादा हैं। वाले ब्रिज पे वहाँ लिखा हुआ है क्लियरली कि 10 लोग को एक साथ खड़ा होना अलाउ है, बट आप देखिए एक बार मैक्सिमम 10% एक साथ खड़ा है, क्योंकि ये ब्रिज पुराना है, बट वहाँ देखिए कितने लोग हैं। This is next layer. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. तक बारिश के वजह से गीले गीले रोड मिल रहे थे, और जल्दी अगर धूप हो तो सूखे सूखे में, बट यहाँ धूप ही होगा तो इसके वजह से ये कीचड़ ऐसे मिलेगा आगे, और ये बहुत टफ हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा था स्नोफॉल ऐसे जगह पे प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। वर्थ इट है गाइस, लव इट। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी, ये सब चीज़ें कीचड़ में बदल जाती है, तो बहुत सारा स्लज इकट्ठा हो जाता है और उसमें चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये रास्ता इधर से अपन आया है, और हमें इधर को जाना है, और इधर देखें बेस कैंप यहाँ से पास नहीं है, जाओ देख रहे हो गाइस। बेस कैंप से बहुत नज़दीक आ गए, बहुत सी लंबी सी चढ़ाई थी, ऑलमोस्ट हम लोग इधर से आ गए, इधर से पीछे से, अभी समझ में भी नहीं आ रहा। अपन क्रॉस करके आए हैं और शू बहुत स्लिप हो रहा है लोगों का, यहाँ पे कुछ लाइफ गार्ड भी हैं। जो चीज़ है ना, कभी कभी इधर से बर्फ आके इधर भर जाता है, तो इसको बार बार हटाना पड़ता है, और लाइफ गार्ड खड़े रहता है जैसे यहाँ पे। ये जब बड़े बड़े दिखने लगे तो समझ जाओ कि पास आ गया। It took almost 7 hours to reach here, और अभी ब्लॉग को यहाँ एंड करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं, आरती वगैरह कवर करने का ट्राई करूँगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सबको ही डेड है यहाँ पे, सबका हालत खराब है।